जो आज मैं वर्ग आठवां का पाठ हिंदी पार्ट थ्री पाठ का क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। इसे आप लोग कॉपी में अपना लिखिए, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, इसे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, करमवीर की पहचान क्या है? उत्तर है, करमवीर विषम परिस्थिति में भी सहज बने रहते हैं। वे हर काम जल्द करने का प्रयास करते हैं। किसी भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती। वे अपने दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है। जब कोई काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं। जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। यह पहला क्वेश्चन का आंसर और प्रश्न उत्तर लिख दी हूँ। अब मैं व्हाट्सएप का दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर लिखूंगी, आप लोग अपने कॉपी में रख दीजिए। मैं दो नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखती हूँ, इसे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। दो नंबर प्रश्न, अपनी देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? इसका उत्तर है, अपने देश के उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूंगा।
लोगों को प्रसन्नी, ईमानदार, त्यागी तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश को उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश को उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है जब वह स्वावलंबी होता है। अतः हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, प्रसन्नी तथा स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित करूंगा। ताकि वे अपने कर्म से देश को सुसंपन्न बना सके यह दोनों प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा। इसे मैं तीसरा प्रश्न बोर्ड पर लिखती हूँ, इसे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? उत्तर है, हम अपने को कर्मवीर अपने कर्म से साबित कर सकते हैं। जैसे हम विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन मेरा कर्म है। यदि हम पूर्ण निष्ठा से अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चय ही सफलता मेरे पांव चूमेगी। चाहे हम गरीबी की मार से जर्जर क्यों ना हो, हमारा आर्थिक कष्ट तभी तक है जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती। पढ़ाई अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति होते ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज तीसरा पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। कल मैं आप लोगों को चौथा पाठ पढ़ाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। ओके।